इस वीडियो में हम लोग फेज शिफ्ट ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। ये एक फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का सिंप्लीफाइड सर्किट डायग्राम दिखाया गया है यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के कन्फिग्रेशन में यूज हुआ है। यहाँ हम जो नेगेटिव टर्मिनल है, इन्वर्टिंग टर्मिनल है, इस टर्मिनल पर हम फीडबैक सिग्नल अप्लाई करेंगे और फीडबैक नेटवर्क को हमने बनाया है थ्री सेक्शन ऑफ आरसी लैडर नेटवर्क। ये देखिए, रेजिस्टर और कैपेसिटर यूज करके हमने थ्री सेक्शन ऑफ आरसी लैडर नेटवर्क बनाया है। अब आप जानते हैं कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में इनपुट और आउटपुट के बीच में 180 डिग्री फेज डिफरेंस होता है, तो यहाँ इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो भी सिग्नल अप्लाई होगा वो आउटपुट पर इन्वर्ट होकर के मिलेगा, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज मिलेगा विथ इनपुट सिग्नल। और आप ये भी जानते हैं कि पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर एज एन ऑसिलेटर तब वर्क करता है जब लूप गेन एन टू बीटा इक्वल्स 1 होता है और फेज ऑफ लूप गेन इज 0/360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हमने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज किया है, तो इसलिए ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर 180 डिग्री फेज शिफ्ट कराएगा यहाँ पे जो भी सिग्नल हम अप्लाई करेंगे। तो हमने ये जो फीडबैक नेटवर्क बनाया है यूजिंग 3 आरसी सेक्शंस ऑफ लैडर नेटवर्क, इस तरह से हम रजिस्टर और कैपेसिटर की वैल्यू सेलेक्ट करेंगे कि जिस फ्रीक्वेंसी का सिग्नल हमें जनरेट करना है उस डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी के लिए ये तीनों आरसी लैडर सेक्शन 180 डिग्री फेज डिफरेंस प्रोवाइड कराएं। यहाँ पे हम जो इनपुट सिग्नल देंगे वो इनपुट ही आउट इस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का आउटपुट होगा। इस आउटपुट सिग्नल को 180 डिग्री फेज शिफ्ट करके हम यहाँ अप्लाई करेंगे दोबारा इस इन्वर्टिंग टर्मिनल पर। तो ये जो हमने थ्री सेक्शन यूज किए हैं आरसी नेटवर्क के, इस हर सेक्शन 60-60 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड कराएगा इस आउटपुट सिग्नल को। इस तरह से फीडबैक सिग्नल जो होगा आउटपुट सिग्नल से 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होगा। तो इस तरह से अराउंड द लूप 180 डिग्री फेज शिफ्टिंग होगी इस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर से और 180 डिग्री फेज शिफ्टिंग होगी फिर यहाँ पे फीडबैक सिग्नल को इस 3 आरसी लैडर नेटवर्क से। तो इस तरह से टोटल फेज शिफ्टिंग अराउंड द लूप 360 डिग्री होगा। यहाँ हमने जो इनपुट सिग्नल दिया वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट होकर के यहाँ मिलेगा और ये जो आउटपुट है यही सिग्नल हम यहाँ पे, ये फीडबैक नेटवर्क है, इस फीडबैक नेटवर्क पर अप्लाई करेंगे एज द इनपुट। और ये फीडबैक नेटवर्क जो थ्री सेक्शन ऑफ आरसी लैडर नेटवर्क से हमने बनाया है ये इस आउटपुट सिग्नल को दोबारा 180 डिग्री फेज शिफ्ट करा के यहाँ इनपुट पर अप्लाई करेगा। तो अराउंड द लूप टोटल 360 डिग्री फेज शिफ्टिंग होगी। ये अनदर सर्किट है, इसमें फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का इम्प्लीमेंटेशन हमने फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर से किया है। यहाँ पर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट हुआ है, आउटपुट हम ड्रेन और सोर्स के बीच में लेंगे। ये सीएस बाईपास कैपेसिटर है जो सिग्नल के लिए शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा, सिग्नल को ये ग्राउंड प्रोवाइड कराएगा। तो इस तरह से जो आउटपुट होगा ये सोर्स और ड्रेन के बीच में होगा और इस आउटपुट को हमने 3 आरसी लैडर नेटवर्क, जैसे कि हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर वाले में यूज किया था, इसमें भी हमने 3 सेक्शन ऑफ आरसी लैडर नेटवर्क यूज किया है। ये तीनों सेक्शन मिल करके इस आउटपुट सिग्नल को जो सोर्स और ड्रेन के बीच में है
उसमें 180 डिग्री फेज शिफ्ट कराएगा। कॉमन सोर्स एम्पलीफायर आप जानते हैं, इसमें इनपुट और आउटपुट के बीच में 180 डिग्री फेज शिफ्टिंग होती है। तो जो भी सिग्नल गेट और सोर्स के बीच में होगा, इनपुट सिग्नल, वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ यहाँ मिलेगा आउटपुट पर, और आउटपुट को ये तीनों सेक्शन ऑफ लेडर नेटवर्क 180 डिग्री फेज शिफ्ट कराएंगे। तो इस तरह से 180 एम्पलीफायर से और 180 ये जो फीडबैक नेटवर्क बना हुआ है इससे, मीन्स टोटल 360 डिग्री की फेज शिफ्टिंग होगी। और ये आउटपुट सिग्नल दोबारा यहाँ पे इनपुट पे अप्लाई किया गया है गेट और सोर्स के बीच में। हमें इस सर्किट का फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालना है कि ये सर्किट किस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को जनरेट करेगा। ये सी और आर की वैल्यू हम इस तरह सेलेक्ट करेंगे कि हमारे डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी के लिए ये तीनों सेक्शन मिल करके 180 डिग्री फेज शिफ्टिंग प्रोवाइड कराएं। तो अब हम इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड करेंगे। तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट निकालने के लिए हम जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, इसको हम इसके स्मॉल सिग्नल लो फ्रिक्वेंसी हाइब्रिड पाई मॉडल से रिप्लेस करें। और ये जो डीसी वोल्टेज है, हमको एसी इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, तो ये डीसी वोल्टेज हम ग्राउंड कर देंगे सबसे पहले हम। और जो ये कैपेसिटर है, बाईपास कैपेसिटर, मैंने बताया कि सिग्नल के लिए शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा, यहाँ ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा। तो इस फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को हमने यहाँ रिप्लेस किया है इसके इक्विवेलेंट सर्किट, ये इक्विवेलेंट सर्किट है एफईटी का, जीएम ट्रांसकंडक्टेंस है और आरडी ड्रेन टू सोर्स रेजिस्टेंस है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का। यहाँ पर जब इस वोल्टेज को हम ग्राउंड कर देंगे तो ये ड्रेन और ग्राउंड के बीच में ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ड्रेन रेजिस्टेंस आरडी आ जाएगा, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। ये सोर्स यहाँ पे ग्राउंडेड होगा, तो यहाँ ड्रेन और सोर्स के बीच में ये आरडी हमने कनेक्ट किया है और ये पूरा जो नोड है ये ग्राउंडेड होगा। उसके बाद फिर ये जो तीनों सेक्शन हैं आरसी लेडर नेटवर्क की, इसको हमने यहाँ पे ड्रेन और सोर्स के बीच में लगा दिया है। सोर्स ग्राउंडेड है जैसा कि मैंने बताया। इस तरह से हमारा जो फीडबैक सिग्नल होगा वो इस रजिस्टर के अक्रॉस मिलेगा और इसी सिग्नल को हम गेट पर अप्लाई करेंगे, गेट और सोर्स के बीच में अप्लाई करेंगे। अब जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आरडी और ड्रेन टू सोर्स रेजिस्टेंस ऑफ द फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इन दोनों को हम एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर डैश डी से रिप्रेजेंट करें। तो इस तरह से ये जो सर्किट है इसको हमने दोबारा यहाँ पे बनाया है। ये दोनों रेजिस्टेंस जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर डैश डी से रिप्रेजेंट करेंगे और फिर ये आप देख रहे हैं कि ये वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स है और यहाँ इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर डैश डी होगा, तो ये पैरेलल में होगा इस वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स के, तो इसको हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो जब वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा आई इंटू आर, आई ये है जी एम बी आई और आर की जगह पे ये आर डैश डी। तो यहाँ इस सर्किट में आप देख रहे हैं ये जो आर डैश डी है इसको हमने यहाँ सीरीज में कनेक्ट कर दिया है एक वोल्टेज सोर्स से, और इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू भी आई आर होगा, इक्वल्स आई आर, आई की जगह पे जी एम बी आई है और आर की जगह पे आर डैश डी। तो इस तरह से ये जो वोल्टेज कंट्रोल्ड करेंट सोर्स था और इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर डैश डी, इनको यूज करके हमने इसको वोल्टेज सोर्स में बना के रूप में रिप्रेजेंट किया है।
ये है वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, VI पे डिपेंड कर रहा है। तो ये एक वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है और ये जो रेजिस्टेंस RD है इसके सीरीज में हो जाएगा। इस तरह से इस इक्विवेलेंट सर्किट को हमने एक सिंप्लीफाइड सर्किट के रूप में इस फिगर में रिप्रेजेंट किया है। इस फिगर में ये जो रेजिस्टेंस है R, ये ग्रेटर ग्रेटर देन RD। तो हम इन तीनों लूप्स में KVL अप्लाई करेंगे और KVL अप्लाई करते समय ये जो RD है ये चूंकि बहुत स्मॉल है इन कंपैरिजन टू R, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो बहुत कम होगा, उसको हम इग्नोर कर देंगे। हम इन तीनों लूप में KVL अप्लाई करेंगे। तो अप्लाइंग KVL वी विल गेट, इस लूप में अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा I1 और ये रेजिस्टेंस R है तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होगा I1 × 1/SC और इस करंट I1 से इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज होगा R × I1। और आप देख रहे हैं कि इस लूप में अगर हम कंसीडर करेंगे तो I1 और ये I2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो इस लूप के डायरेक्शन में जो नेट करंट होगा वो I1 − I2 होगा। तो इस तरह से इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो I1 − I2 × R होगा और उसको जब रीअरेंज करेंगे तो इक्वेशन हमें इस तरह से मिलेगा I1 R + 1/SC − I2 R = GM VI RD। क्योंकि जब आप इस लूप के डायरेक्शन में चलेंगे तो माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे जब तो वोल्टेज राइज होगा, वोल्टेज राइज को हम नेगेटिव से लिखते हैं तो −GM VI RD। फिर यहाँ इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज इसके इम्पीडेंस 1/SC को I1 करंट से मल्टीप्लाई करेंगे, इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज R को हम I1 − I2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इक्वेशन को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला इक्वेशन मिलेगा। इसी तरह से हम इस वाले लूप के लिए भी KVL अप्लाई करके KVL इक्वेशन लिखेंगे तो ये हमें इस तरह मिलेगा −I1 R + I2 2R + 1/SC − I3 R = 0। थर्ड लूप में जब अप्लाई करेंगे तो हमें ये क्वेश्चन मिलेगा थर्ड −I2 R + I3 2R + 1/SC = 0। तो इस तरह से थ्री डिफरेंट लूप से हम थ्री KVL इक्वेशंस लिखेंगे। और यहाँ देखिए ये जो फीडबैक वोल्टेज है VF, ये होगा R × I3। तो एक इक्वेशन हम चौथा लिखेंगे VF = I3 × R। हेंस लूप गेन मीन्स A × β, गेन ऑफ द एम्पलीफायर एंड गेन ऑफ द फीडबैक नेटवर्क। ये हमने लिखा है VF/VI। आप इस सर्किट को देखिए, ये एम्पलीफायर सेक्शन है, ये पूरा कॉमन सोर्स एम्पलीफायर जिसका आउटपुट VO है। कॉमन सोर्स एम्पलीफायर का गेन A है, इसके लिए इनपुट VI और आउटपुट VO, तो A की वैल्यू होगी VO/VI। यहाँ पे जो हमने लिखा है A × β, इसमें A की जगह पे होगा VO/VI। और ये सेक्शन ये फीडबैक नेटवर्क है, इस फीडबैक नेटवर्क का गेन बीटा है, इसके लिए जो इनपुट होगा ये VO होगा और आउटपुट जो है ये VF होगा, तो इसका गेन होगा β = VF/VO। तो
अब जब हम इसमें ए के जगह पे वी ओ अपान वी आई लिखेंगे और बीटा के जगह पे वी एफ अपान वी ओ लिखेंगे तो वी ओ वी ओ कैंसिल हो जाएगा और हमें वी एफ अपान वी आई मिलेगा। फिर इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और आई थ्री फाइंड करेंगे। आई थ्री की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो वी एफ मिलेगा और फिर इस एक्सप्रेशन में रख करके मैथमेटिकल अरेंजमेंट करेंगे तो हम इस तरह का एक इक्वेशन हमको मिलेगा ए इंटू बीटा इक्वल्स माइनस जी एम आर डी डैच अपान वन माइनस फाइव अल्फा स्क्वायर प्लस जे अल्फा क्यूब माइनस सिक्स अल्फा वेयर अल्फा इक्वल्स वन अपान ओमेगा सी आर। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम आई थ्री निकालेंगे। आई थ्री यहाँ पुट करेंगे तो वी एफ मिलेगा और फिर जहाँ जहाँ यस है उसमें हम जे ओमेगा पुट करेंगे और मैथमेटिकल अरेंजमेंट करने के बाद में हमें ये इक्वेशन मिलेगा और इस इक्वेशन में अल्फा इक्वल्स वन अपान ओमेगा सी आर। आप जानते हैं कि कोई भी पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर एज एन ऑसिलेटर की तरह तब वर्क करेगा जब लूप गेन ए इंटू बीटा इक्वल्स वन हो, मीन्स लूप गेन का मैग्नीट्यूड वन हो और लूप गेन का फेज जीरो या 360 डिग्री हो। मीन्स ए इंटू बीटा इक्वल्स वन और वन रियल नंबर है तो ए इंटू बीटा जो ये एक्सप्रेशन हमने लिखा है इसको रियल नंबर होने के लिए ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसको हमें जीरो करना होगा। तो हम ये कंडीशन लगाएंगे अल्फ़ा क्यूब माइनस सिक्स अल्फा इक्वल जीरो। एज लूप गेन इज ए रियल क्वांटिटी हेंस अल्फा क्यूब माइनस सिक्स अल्फा इक्वल जीरो। तो इस तरह से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू सिक्स आएगी और अल्फा हमने बताया था कि ये वन अपान ओमेगा सी आर है तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा वन अपान ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल सिक्स। इस तरह से ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर वन अपान सिक्स और ओमेगा वन अपान आर सी अंडर रूट सिक्स होगा। अगर हम इस ओमेगा फ्रीक्वेंसी को हर्ट्स में कन्वर्ट करें तो यहाँ हमने एफ नाट लिखा है, मतलब ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसके लिए ये एक्सप्रेशन अल्फा क्यूब माइनस सिक्स अल्फा जीरो हो रहा है उसको हमने एफ नाट से रिप्रेजेंट किया है या ओमेगा नाट से रिप्रेजेंट करेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी के रूप में। तो अगर हम एफ नाट लिखते हैं तो यहाँ हमें इस एंगुलर फ्रिक्वेंसी को वन अपॉन टू पाई से डिवाइड करना होगा क्योंकि ओमेगा इक्वल्स टू पाई एफ होता है। तो एफ नाट इक्वल्स वन अपॉन टू पाई आर सी अंडर रूट सिक्स। तो ये एक्सप्रेशन जो है फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस का एक्सप्रेशन है, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर जो हमने एफ ए टी यूज करके बनाया है। यहाँ पे एफ नाट है फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस। तो अगर हम इस लूप गेन वाले एक्सप्रेशन में ये जो इमेजिनरी नंबर है इमेजिनरी टर्म है इसको हम जीरो करते हैं और अल्फा की जगह पे वन अपान ओमेगा सी आर पुट करते हैं, इमेजिनरी टर्म जीरो और अल्फा की जगह पे वन अपान ओमेगा सी आर, तो हमें ए इंटू बीटा मिलेगा। इस तरह से मॉड ऑफ ए इंटू बीटा मिलेगा जी एम आर डैश डी अपान 29 मैग्नीट्यूड ऑफ लूप गेन जी एम आर डी डैच अपान 29 और फॉर सस्टेंड ऑसिलेशन आप जानते हैं मॉड ए इंटू बीटा ग्रेटर देन ऑसिलेशन स्टार्ट होने के लिए कंडीशन चाहिए, उसके बाद एक फिक्स एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी पे ऑसिलेशंस के कंटिन्यू रहने के लिए हमें मॉड ए इंटू बीटा वन करना होता है। तो अगर ये स्टार्ट करना है ऑसिलेशन को तो मॉड ए इंटू बीटा ग्रेटर देन वन, तो अगर हम यहाँ ये ग्रेटर देन वन करेंगे तो इसका मतलब होगा जी एम आर डैश डी इज ग्रेटर देन 29। यहाँ आप इसको ग्रेटर देन वन करेंगे तो ये जी एम आर डैश डी
इज ग्रेटर देन 29, और जी एम आर डी डैच ये है मॉड ऑफ ए, मीन्स एफपीटी का जो कॉमन सोर्स एम्पलीफायर हमने बनाया है उसका गेन है जी एम आर डी डैच। तो इस एक्सप्रेशन में यहाँ ए इंटू बीटा ग्रेटर देन वन, अगर हम मॉड ऑफ ए की जगह पे लिखते हैं ये इसकी वैल्यू जी एम आर डी डैच ग्रेटर देन 29, यहाँ इस एक्सप्रेशन में ए की वैल्यू हम 29 लिखें ग्रेटर देन 29, तो इसको फुलफिल होने के लिए बीटा इक्वल्स हमें 1/29 करना होगा। इसमें अगर ए ग्रेटर देन 29 है और बीटा 1/29 है तो ये इक्वेशन फुलफिल हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि द गेन ऑफ एफईटी एम्पलीफायर मस्ट बी एट लीस्ट 29 टू सस्टेन द ऑसिलेशन। ऑसिलेशंस को सस्टेन करने के लिए एक फिक्स फ्रिक्वेंसी के साइनसॉइडल सिग्नल को कंटिन्यूस जनरेट करने के लिए हमें एफईटी एम्पलीफायर का गेन ए ग्रेटर देन 29 रखना होगा और बीटा 1/29।